चावल को फुलाए हुए 12 घंटे हो गए हैं। अब चावल धुल के रख लिए हैं, उड़दा की दाल धुल के रख लिए हैं, इसको भी भुलाए हुए 12 घंटे हो गए हैं। अभी दोनों को पीस लेते हैं, जाल में डाल देते हैं चावल और दाल दोनों साथ में। इसमें 1 कप पानी भी डाल लेते हैं, पीसने में आराम रहेगा। अब इसको पीस ले रहे हैं। अपना पेस्ट पीस के तैयार है। अपना पेस्ट बन के तैयार है। जो उसमें नमक डाल लेते हैं, थोड़ा मीठा सोडा डाल लेते हैं, इसको तेल लगा लेते हैं सांचे में, थोड़ा इनो मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बबल्स उठने लगे हैं। अब सांचे में तेल लग गया है, अब इसको डाल लेते हैं। सांचे में पानी डाल के गैस में टंगा दिए हैं धीमी करके। अब जिस सांचे में पेस्ट डाले रहे उसको रख लेते हैं ढक्कन ढक के, छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। अपनी इडली फुली फुली बन के तैयार है, उड़दा की दाल की और चावल की इडली।